आय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतशिश्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील भक्ति वेदांत साई महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी गण मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीपाद संत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। कल से हम कृष्ण के जन्म महोत्सव पर कृष्ण तत्व के बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। काल भी कुछ भक्त लोग कृष्ण के बारे में भी बताया है। ब्रह्म स्वयं कृष्ण है पर ब्रह्म है, जिसमें भागवत में कहते हैं बदन तत्व जज गणमाध्यम ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दते। एक ही भगवान भक्त के विविध प्रकार के भाव के अनुसार वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। अद्वितवादी ज्ञानियों के निकट ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मयो ब्रह्म, क्या बोला, ज्योतिर्मयो ब्रह्म। ब्रह्म कैसे है, ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। योगियों के निकट परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं,
जिससे योगी लोग योग साधना आदि के द्वारा उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। और भक्त के निकट भगवान सर्वसज्ज पूर्ण रूप में प्रकाश होते हैं, ऐश्वर्य समग्र शरीर जस श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न भव इतिंगना। सड़ ऐश्वर्य पूर्ण सड़ मने ऐश्वर्य के गुण सर्वश्वर्य क्या क्या ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान और वैराग्य। अभी भगवान पर ब्रह्म भगवान फिर भक्त के जैसे जैसे भाव होते हैं उस भाव के अनुसार प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य मार्ग भक्त निकट चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं। और माधुर्य भक्त के निकट भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकटित होते हैं। द्विभुज मुरलीधरी दिव्य द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ज्योतिर्वंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। वो महान यदि के अंदर में प्रकाश के अंदर में स्वयं भगवान त्रिभंग ललित होकर के वंशी वादन करते हैं। ऐसे उपनिषद में लिखा गया द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ज्योतिर्वंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। जैसे जैसे भक्त होते हैं अपने भक्त के अपने भाव के अनुसार वो रूप दर्शन करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है एक वैदुर्य मणि, क्या बताया वैदुर्य मणि, उसमें सात रंग रहता है, कितने सात सेवन कलर। जिस दृष्टि से देखोगे अकॉर्डिंग इन द एंगल ऑफ विजन दृष्टिकोण से क्या देखोगे वो रंग आपको दिखाई पड़ेगा, है लाल नील पीले ये समस्त रंग उसमें। ठीक उसी प्रकार एक ही भगवान, भगवान दो नहीं है, ईश्वर कितने हैं एक है, है? एकमेव परम तत्त्वम्, एक ही परम तत्व है अपने अचिंत स्वरूप के द्वारा शक्ति के द्वारा अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। एकमेव परम तत्त्वम् स्वाभाविकी अचिंत सत्ता। सुंदर रूप प्रकाश करते हैं भक्त के निकट माधुर्य भक्त के निकट द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकाश है। बरहा पीड़ं नट परभोपो कर्ण कर्णिकारम विव्रत भासो कनक कपी संग भजंत मालम रंध्रान वेणुरथ सुदयो पुरयन गोपविंदय वृंदारण सपद रमण प्राविशत गीत कीर्ति। सुंदर रूप सम सुंदर द्विभुज मुरलीधर वंशी वादन करते हुए सखाओं के साथ गलबंधन होते जा रहे, तिरछी नजरों के द्वारा मधुर प्रेमी भक्त की किसी प्रकार चितवन के जो है आकर्षित कर लेते। चले बरहा पीड़म, अहो ऐसे सुंदर उनके रूप वर्णन हो रहा है, मस्तक पर मोर मुकुट व मोर पंखा लगा महाबरहा पीड़म नट पर बोपू, जैसे नट सलाम है जिस प्रकार नायक जैसे अनेक प्रकार के अंग भंग आदि करते हुए प्रवेश करते हैं, नटशाला में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण नटवर बोपू इतने सुंदर रूप जो है बन, जैसे बरहा पीड़ंग नटवर बोपू कर्ण कर्णिकारंग विभ्रत वासो कनक विषांग वैजंत मालाम। कानों में क्या है, कानों में कनेर का पुष्प लगा, कभी इस कान में लगाते कभी इस कान में, इतना सुंदर वैजयंती मालाओं के द्वारा गलदेश इतने सुसज्जित हो रहा है। बरहा पीड़ंग नटवर बोपू
कर्णकर्णिकांग विव्रत वासु, इतने सुंदर उनकी वस्त्र जो है बिजली के रंग के भी पराभूत करने वाले, विव्रत वासु कनक बैजंत मालम रंगन बेन रथर सुदय पुरैन गोवृंद अहो वह श्याम सुंदर दिभुज मुरलीधर। और जब अधर उष्ठ के बीच में जब वो वंशी धारण करते हैं और एक अपरूप प्रकाश हो जाता है, बोले जिसको देख करके गोपियां ईर्षा करती है, क्या करती है ईर्षा जलसे हो और कहते हैं वंशी तुम बताओ तुम पूरे जन्म में कौन सा तपस्या की है? कुशल अस्म बेनु, अरे बेनु तुम्हारे पूरा जन्म की कुछ तो बताओ। हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की अधर और उष्ट के बीच में तुम विराजमान हो जाते हो, तो तुम पुरुष जाति हो। ये पुरुष जाति कभी हमारे प्राण प्रियत प्राण गोविंद की अधरामृत पान नहीं कर सकते। अब तुम पान करो, इसे बताओ तुमने पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या की। कुशल 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 कितना सुंदर ये रूप होती है। और ये मानो गोपियों की भाव उदित हो रहा है। ये गोविंद की जो अधर और उष्ठ जो है ये नीचे के ओलो के कहा जाता है अधर और ऊपर के क्या कहा जाता है उष्ठ, इसके बीच में वंशी विराजमान है। ये मानो कृष्ण की अधर उष्ठ क्या है, है? दोनों तकिया है। जैसे राजाधिराज महाराज कहां बैठते हैं, अपने सिंहासन पर बैठते जब है तब उसमें दोनों तरफ बहुत सॉफ्ट कोमल है दो तकिया रहे। आह गोपियां ईर्षान्वित होकर के ये भी बोलते जा रहे हैं, ये भी नहीं है चलो कोई बैठी कहीं पर भी बैठे उसे क्या होता है, सिंहासन बैठ सिंहासन पर बैठने जी राजा बन जाएगा ऐसे तो बात नहीं है। किंतु तो आश्चर्य की बात है, है? और देखो हमारे प्राण कंत गोविंद तुम्हारे चरण भी दबाते हैं, दबाते हैं कि नहीं है? है? और जब कृष्ण वंशी वादन करते हैं एक उंगुली दूसरी उंगुली ऐसी करके बजाते इतने सुन है मानो तुम्हारे चरण दबा रहे। तीसरी हो ये नहीं है, तुम जब परिशांत हो जाते हो है? और तुमको हमारे प्राण गोविंद कैसे करते हैं, हवा करते बोले कैसे, बोले देखो गोविंद की आंखों की जो पलक जो है, है वो मानो ऐसे अप डाउन होता है और धीरे धीरे वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली है तुम्हें हवा। इसलिए गोपियां निशान्वित तो होकर के जला से कहते हैं वंशी तुम बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन से कर्म के है। हम इसलिए कह रहे गोविंद की इतने सुंदर रूप है, इसलिए कहते हैं बरहा पीड़ नटपुर बपु कर्ण कर्णिकारं विप्रत भासु कनपुष वैजंत मालम। वही गोपियों के द्वारा ग्रथित पांच प्रकार फूलों की जो माला होती है जिसको कहा जाता है वैजंती माला कहा जाता है, है? बहुत सुंदर रूप में सुसज्जित और कृष्ण सखाओं के साथ कैसे सुंदर प्रेम मधुर भाव गलबेटन देते हुए चार, यह नहीं तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चिदवन को कैसे आकर्षित कर देते हैं। यह कृष्ण इतने सुंदर
मधुर रूप। जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान के रूप नहीं है, गुण नहीं है, इसलिए कहा भगवान के उस शरीर नहीं, निराकार निर्विशेष निरंजन कह करके बताते रहते। किंतु सर्वदंत सारंगी श्रीमद भागवतम प्रमाण दे रहे कृष्ण कितने सुंदर रूप है। बोले इतना ही भी कहते हैं, मेरे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण के एक रूप के कौन जो है त्रिभुवन डुबाय अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो रूप है एक तरफ रख दीजिए, एक पल्ल में रखिए, और एक तरफ गोविंद के रूप के एक कण थोड़ा रख दीजिए, तथापि बराबर नहीं है। गोविंद एक रूप एक कण डुबाय त्रिभुवन, इतने सुंदर गोविंद के रूप है। इसलिए हमने यही कहा, जैसे से भक्त होते हैं वही भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। दो प्रकार के भक्त मैंने बताया, एक है ऐश्वर्य पर भक्त और एक है माधुर्य पर भक्त। ऐश्वर्य पर भक्त के निकट चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, और माधुर्य पर भक्त के निकट स्वयं भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में ही प्रकट होते। इसलिए हम संत चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये सनातन कृष्ण के स्वरूप को सुनो, कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वैत ज्ञान तत्त्व ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। संत चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के निकट वर्णन करने सनातन गोस्वामी के बोलना के जरूरी नहीं, वो तो लवंग मंजरी सब कुछ जानते हैं। लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और कृष्ण के स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। प्रधात्मिता भगवान राज ने दिया ना, ताली बीच में जो ताली दो, नहीं तो निद्रा देवी आकर के सिर पर चढ़ जाएगी। आसमान एक पेड़ पर जो एक पक्षी बैठा हुआ था, एक संत महात्मा आकर के नीचे बैठे है, तो पक्षी को भगाना है तो क्या करना पड़ता है, ताली दो देखो पक्षी। तात्पर्य क्या है माया को भगाने के लिए, यही तात्पर्य क्या है, हाथ में ताली दो कथा सब देखो वो माया भग जाएगी है। हाँ नहीं तो वो पक्षी जैसे बैठे रहे ऊपर बैठे रहे और आप नीचे बैठो तो आपके शरीर को क्या कर देंगे, बैठ करके गंदा कर। तात्पर्य माया उसी प्रकार है। हम इसलिए कर देखो गोविंद कितने सुंदर वर्णन कौन कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण ही वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अंतर कृष्ण, अंतर कृष्ण बहिर गौर, अंदर में वही कृष्ण ही है और ऊपर में राधा जी की भाव और कांति लेकर के ही विराजमान है। ये कथा में संग महाप्रभु कहने लगे हे सनातन सुनो कृष्ण के सुंदर विचार। इसलिए कहते हैं क्या, वह अद्वैत ज्ञान पर तत्त्व संग भगवान, इसे कहते हैं अद्वैत ज्ञान तत्त्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अद्वैत मीन्स नॉट द्वयम इति अद्वयम, दो नहीं है एक ही,
तत्वतः एक ही तत्व है। और ब्रजनंदन श्याम सुंदर जिसे कहते हैं कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। उनके शरीर कैसे चिदानंदमय सच्चिद आनंदमय शरीर। भगवान के स्वरूप कैसे होते हैं सचिदानंद सच्चिद आनंद ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। कितना सुंदर बहुत ही सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता में पहले श्लोक का ईश्वर और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंदमय विग्रह है अनादि रज के आदि अंत नहीं वह गोविंद कृष्ण के एक नाम क्या बताए गोविंद गोविंद यति आनंद यति इति गोविंद जो समस्त जीवों के जो है अपने सुंदर जो माधुर्य आदि के द्वारा लीला विलास आदि के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं इसलिए उनके नाम गोविंद है। ये गोविंद नाम किसने रखा यद्यपि नित अरे इंद्र जी है ना हाँ याद रख क्यों पूछना पड़ेगा ना है यद्यपि भगवान के नाम तो नित्य है कुछ रखने की जरूरत नहीं है हमारे नाम रखा आपके नाम रखा और जब शरीर छोड़ देते वो नाम बदल जाता है सन्यास ले लेते वो नाम भी बदल जाता है जैसे महाराज जी सन्यास लेने के ब्रह्मचारी में एक नाम गृहस्थ घर के नाम एक था है फिर जब ब्रह्मचारी आगे गुरु से दीक्षा मंत्र लिया और एक नाम हो गया है कि नहीं फिर महाराज जी जब फिर ब्रह्मचारी से जब सन्यास लिया वो भी बदल गए तो देखो कितने नाम बदल गए तीन नाम बदल है? और भी इसके बाद भी और एक भी उनके नाम है? वो गोपन नाम है वो महाराज जी बताएंगे फिर वृंदावन बिहारी है बोले वही आत्मा के शुद्ध नाम है आज समझ में नहीं है अभी वो आत्मा की जो एक नाम है नाम रूप गुण लीला ये सब है? इसको कहा जाता है एकादश भाव और पंचोदशा क्या होता है अच्छा ये अभी हम जानते नहीं है महाराज जी सब बताएंगे मैं तो काल परसों चला जाऊं महाराज जी सारे बता देंगे महाराज जी बहुत उदार है बहुत सुंदर है ये प्रश्न गोविंद है गोविंद इति गो माने गाय गो माने इंद्रियां सेंसेस गो माने वेद गो माने ब्राह्मण गो माने ब्रजवासी गोप गोपी कितने आनंद आनंद प्रदान करे गो बिंद बिंद इति आनंद सभी जो है आनंद प्रदान इसके हृदय में आनंद है हृदय में दुख है कष्ट है वो दूसरे के कष्ट देंगे सीधी बात किंतु हमारे भगवान गोविंद क्या है आनंदमय पुरुष है इसलिए वेदांत में कहा गया आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यास आनंदमय भगवान की बार बार अनुशीलन करो इसलिए भगवान यह पर जब ब्रह्म संहिता में जो करें ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद
सर्व कारण कारण, समस्त कारण के कारण है ये विश्व ब्रह्मांड। किसने रचना की, क्यों भगवान ने रचना किया बता रहे, क्यों कारण क्या है, है? बोले कारण आपको नहीं मिलेगा, है? तार्किक लोगों के लिए, लॉजिस्टिक लोगों के लिए कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण बताया जाता है, किंतु भगवान सत स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, वो इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं भगवान है। वो क्यों कैसे करते, उसके क्या क्या उत्तर आया, किंतु तथापि शास्त्रकार लोगों की सांत्वना देने के लिए कहा जाए चलो है? भगवान ये विश्व ब्रह्मांड की क्यों सृष्टि करते, बोले अपने लीला विलास के लिए है, सीधी बात है। पर संग भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में अप्राकित ट्रांसेंडेंटल गोलोक वृंदावन धाम में नित्य लीला आदि करते रहते, वहां पर आनंद उत्सव मनाते हैं, क्यों संग भगवान आनंदमय पुरुष है, लीला आदि करते, वही लीला को वही धाम को स्वयं भगवान जीवों की कल्याण के लिए इस धराधाम में प्रकट कराते हैं, है? अनुग्राहय भक्ता मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत। आइए कथा में भगवान जो लीला आदि करते हैं दो कारण बता रहे हैं, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण, मुख्य कारण में यही प्रधान हो जाए, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवासितं भजते ताज्र क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत। मदभक्त मदभक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रीड़ा, मेरे भक्त के आनंद देने के लिए मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ा आदि करते रहा हूं, मद भक्त विनोदार्थ करोमी विविध क्रीड़ा। पहली कहानी इसलिए कहते हैं अनुग्रह भगवान कैसे करुणामय, नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ है इस जगत में लीला को प्रकट करा देते, इसलिए बंगला कीर्तन में क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदसिया धाम सहाय बतरी अतंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्ति रोपा। इतना ही तक, कितना सुंदर भाव, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, चैतन्य महाप्रभु जीवों की कृपा करने के लिए नित्य धाम से गुरु वृंदावन धाम से सदद्वीप धाम से स्वयं प्रकट होते हैं, अपने परिकर के साथ आते हैं, और भागवत में भी प्रमाण भी दे रहे हैं, क्या बोले अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवमासि भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान दो वस्तु है, एक अनुग्रह कृपा करते, जानते भगवान संसार के जीव बहुत दुखी है, कोई सुखी है, है? सुख मिला कि नहीं मिला, थोड़ी सी मिल जाता है कभी, है? किंतु सब दुखी है इस संसार में, इसमें बार बार कथा कहता हूं, दरिद्र कहे धनी सुखी और धनी कहे महाधनी सुखी और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी,
इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा क्या बोले, बोले कोई नहीं, कि संसार में सुख कहां से मिले है। हाँ, इस संसार में वही सुखी है कौन, चांट होली नेम्स बी हैप्पी। इंग्लिश में क्या बोली, चांट होली नेम्स, जो हरि नाम करते हरि भजन करते वो सुखी है। जब तक हरि नाम नहीं करे सुख आनंद नहीं मिले, हरि नाम हरि कथा आनंद है, है? देखो हरि कथा बोलो हरि नाम करो चित्त प्रसन्न रहेगा। जो हरि नाम नहीं करते हरि कथा नहीं बोलते उसकी सिर दर्द, सिर में दर्द रहता है। हाँ? समझ में आता है, माया पकड़ लेती है, किंतु हरि नाम हरि कथा में इतने आनंद है। सभी कहते हैं बोले कैसे हो, मैं ठीक हूं, किंतु मेरा मन ठीक नहीं, दुखी। क्यों दुखी है, तो माया के चिंतन करते हो, माया के छोड़ो, भगवान की चिंतन करो, भगवत नाम कीर्तन करो, है आनंद आए। एक ही श्लोक, बस महाप्रभु की एक ही श्लोक याद रखो बस, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदम बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम और सर्व आत्मस्नपनम परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तन। जय हो जय हो, ऑल ग्लोरीज हरि नाम, होली नेम्स, नाम भगवत नाम इतने मधुर है। एक बार नाम करके तो देखिए, नाम करो क्या होगा, एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो द्रुतोच्चै हसति अथो रोदोतिरोति गायनुन्मादव नित्यति लोकवाज सुन्नन सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनुन्मादव नित्यति लोकवाज सुन्नन सुभद्राणि रथांगपाने। अहो भगवान जैसे सुंदर मधुर लीलादि श्रवण करते ही उनके चित्त कैसे हो जाते हैं, नचना शुरू कर दे, नृत्य करना शुरू कर दे, आनंद में डूब जाते हैं। सुन्न सुभद्राणी रथांग पानी जन्मानी कर्माणी जानी जो लोके, अहो प्रभु कैसे सुंदर लीलादि श्रवण आदि हो। जैसे महाराज जी बताए ना, ये कृष्णदेव अनेक लीलाएं हैं, ये बाल लीला जो है कृष्ण के जन्म लीला हमने इतने आनंद उत्सव से क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी कहते हैं, महाराज जी सुंदर बताए है क्यों, बोले देखो भगवान जो लीला करते हैं ना, लोकवत्त लीला कैवलम, वेदांत में कह रहे हैं लोकवत्त लीला कैवलम, भगवान मनुष्य के वहां पर लीला करते हैं और उस कथा को सुनने में आनंद होता है। मत्स्य कुर्म बराह आदि नृसिंह आदि भगवान के अनेक तो अवतार आदि है, वो लीला जो है उतना आनंददायक नहीं है, क्यों क्षणकाल के लिए आते फिर असुर आदि के मार पीट करके काट पीट करके चले जाते। नृसिंहदेव का कितने समय तक रहे आप बताओ, प्रहलाद महाराज ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद बताओ तुम विष्णु विष्णु बोलते हो, मेरे शत्रु के नाम लेते हो, विष्णु कहां है, कहां है। प्रहलाद महाराज कहने लगे हे पितो व्यापनोति विष्णु, वो सर्वत्र ही रहा था विराजमान है। हिरण्यकश्यप कहने लगे क्या खंभे में है, बोले अभी अब सर्वत्र ही था। और हिरण्यकश्यप ने क्या की, अपने गदा के द्वारा वो खंभे में जो आघात करने लगी, भक्त विधातु भक्त की वचन भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं
भगवान कौन सा उपग्रह है, उग्र मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। ओ उग्र रंग महाविष्णु जलंत सर्वदो मुखम निष्णुषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम वृंदावन बिहारी लाल की बोले निसिंहदेव भगवान की। बीच में जय दिया करो है देखो। और हिंदू कुछ युद्ध किया है बहुत आनंद। अच्छा ये कितने समय तक हुआ पति अल्प से, और इसके पश्चात निसिंहदेव भगवान हिरण्य कुश के पश्चात के मारने के पश्चात प्रहलाद महाराज की भी वात्सल्य भाव से उनके गोद में बैठाया है। भक्त वत्सल निसिंहदेव भगवान प्रहलाद और कुछ वरदान दिया। इसके पश्चात निसिंहदेव पुनः अंतर्ध्यान हो गए। अब कितने समय, थोड़ी की समय, किंतु देखो रामलीला कृष्ण लीला कितने मधुर है, है? इतने से बिल्कुल मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। मातृ गर्भ से जन्म ले रहे हैं, मां यशोदा के गर्भ से जन्म ले रहे हम। इसलिए तो उसके कृष्ण की क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, आविर्भाव नहीं मनाते हैं, क्या मनाते हैं जन्माष्टमी है। मातृ गर्भ से कैसे जन्म ले रहे हैं, भगवान कहीं भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, आविर्भाव हो सकते हैं, किंतु जन्म जो है हम इसे लिखते क्या जन्माष्टमी। अहो इतने सुंदर है, प्राकृत शिशु के भांति ही मां यशोदा के गर्भ से जन्म, देह के साथ नारी के साथ बंधन है, उसके भी नारी छेदन आदि भी दिखाया गया है। जैसे छोटा बालक मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं और कि ये जन्म संस्कार आदि कराया जाता है, है? देखो निसिंहदेव का ऐसे हुआ है, खंबा से जब निकले कुछ नहीं हुआ है, किंतु देखो निसिंहदेव क्या बोले, हमारे वरनंदन श्याम सुंदर मां यशोदा के जन्म नारी क्या बोले गर्भ से जन्म लिया है, कितने सुंदर। अहो प्रभु कैसे लीला है, प्राकृत शिशु के भांति बस है, कॉर्पोरेट भी नहीं लेते बताए है, टन शरीर के कर्म नहीं लेते, अनंत करो विश्व ब्रह्मांड के धारण करने वाले और वो गोल गोपाल निस्सहाय होकर के रोते हैं, कितना सुंदर लीला है। जिससे अभी महाराज ने सुना है, महाराज की कथा बहुत मधुर है, आप लोग सुनते हैं, मेरे भाषा तक कर्कश है, कौन सुनेगा है, इसलिए मैं चला जाता हूं, कोई सुनने वाला नहीं, क्या करें। देखो कृष्ण की कितने सुंदर है, इसलिए हमारे सत्यव्रत मुनि कैसे कीर्तन करें, नमामि सारं सच्चिदानंद रूपं लसद कुंडलं गोकुले भजमानं जसोदाभियो खलाब्दावमानं परामृष्टमात्तं ततद्रुतगोपां रोदन्तं मूर्नेत्रं जुगमामृजान्तं करम भोज जोग मेनो सातंग नेत्रं मुहुर्षा सकंप श्रीरेकांक कंत सीता गई बदामो
शरण भक्ति नामामि सारं सच्चिदानंद रूपं लासद्गंडारं गोकुले राजमान। कितने सुंदर मधुर भाव प्रकट है। ऐसे कोई व्यक्ति इस कीर्तन के सुन करके अनुभव करके हृदय द्रवीभूत ना हो जाए, पत्थर भी पिघल जाए है। कितना सुंदर प्रभु के ऐसे सुंदर रूप वर्णन होते जा है। हम इसलिए करें कृष्ण ऐसे सुंदर मधुर रूप सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते है। इसे संग चैतन्य महापुरुष संग कृष्ण करे हे सनातन कृष्ण के स्वरूप विचार सुनो है। वो अद्वय ज्ञान तत्व न द्वयम यदि अद्वयम एक ही वस्तु है। अपने अचिंत शक्ति के द्वारा स्वरूप कैसे सुंदर प्रकाश करते। जैसे जैसे भक्त होते हैं ऐसे भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकाश कर देते हैं, जिसमें द्वादश रस रहता है। द्वादश माने ट्वेल्व बारह दस समय ऐसे सुंदर रूप संत दास सख वात्सल्य माधुर्य ये पांच क्या है मुख्य रस कहा जाता है। और सात गौण रस है क्या क्या ठीक से बोल हर्ष उद्भुत करुण वीर विभत्स है रुद्र करुण ऐसे करके सात है। इतने सुंदर जो द्वादश रस ये पूर्ण भगवान में ये है। अभी थोड़ा तत्व में प्रवेश भी करना है। कृष्ण के त्रिविध धाम है कितने धाम तीन धाम बताएं बता दो दरिकापुरी मथुरापुरी और वृंदावन है। द्वारका में कृष्ण के कहा जाते पूर्ण कहा जाता है और मथुरा में पूर्णोत्तर और पूर्णतम कृष्ण कहां पर ब्रजी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और वही ब्रजेंद्र श्याम सुंदर अपने स्वरूप माधुर्य के सर्वोत्तम रूप में कहां प्रकाश करते हैं है? राधा जी की निकट श्यामे रमा रम रम सुंदरता वरिष्ठ सुंदर सौंदर्य मोहित समस्त जगत जन है? जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट स्वयं भगवान वो स्वरूप के भी प्रकाश करते रहते हैं। विशेष करके रासस्थल में कृष्ण के सर्वोत्तम रूप प्रकाश हो जाता है। इसलिए करें अद्वय ज्ञान न अद्वयम इति अद्वयम एक ही परतत्व है। अपने अचिंत शक्ति के द्वारा स्वयं रूप तदेकात्म रूप और आवेश स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन काल हमने भी श्रवण किया था है। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कितने सुंदर रूप और उस सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर इतने सुंदर रूप कृष्ण। इसलिए आज से कृष्ण के भजन नहीं किया तो किसको भजन करेंगे। ऐसे करके जन्म उत्सव नहीं मनाए तो किसके जन्म उत्सव मनाएंगे है? इस संसार के लोग देखो अपने पुत्र कन्या आदि के जन्म तिथि पर कितने उत्सव मनाते हैं कि नहीं है? सारी तरफ बलून लगा देते हैं लाइट और क्या क्या करते हैं और फिर
है, केक काटते हैं आनंद से मना। अरे परात पर व्रत तो अनंत कुंड विश्व ब्रह्मांड के नायक, उसके लिए तो करना चाहिए है। ब्रज में कृष्ण के जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है, ये कृष्ण के जन्म उत्सव पर माँ जसोदा ने क्या किया, ब्राह्मणों की बुलाती है और अपने बाल गोपाल की भी आशीर्वाद देते हैं और ब्राह्मणों की गाय बच्चे आदि सर्ण सब कुछ दान देते हैं। और दूसरी क्या है ना, जमुना में जाकर के जमुना में दिया जो है प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, एक कृष्ण के जन्म उत्सव पर माँ जसोदा ने क्या की, पुत्र की मंगल के लिए कल्याण के लिए जमुना में दिया, बोले आज हमारे गोपाल के कल्याण के लिए 1108 कितने 108 दिया है माँ जसोदा गोपाल के लेकर के जमुना के जल में घुटनों तक चले गए और ब्राह्मण मंत्र पढ़ाने लगे, वेद मंत्र पढ़ाने लगे, ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पसंति सूरय देवी व चक्षुरातम, ऐसे करके एक एक दिया को छोड़ और कृष्ण जी मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। और देखो 1108 दिया है जमुना में अर्पित किया, माँ जसोदा जब पानी से ऊपर आ गया देखा सारे दिया कहां पर है, बोले जमुना के 10,000 किलोमीटर है, 2 मील तक है दोनों किनारे में वो दिया जल। कन्हैया माँ जसोदा ने पूछा, कन्हैया अरे दिया कैसे आ गया, देखो कन्हैया ने कैसे सुंदर जवाब दिया, ये मैया जो इस संसार में कोई भक्ता चले जाते ना, मैं उनको उठा करके कहां पर रख देता हूं, किनारे पर रख देता हूं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। जो कहीं माया रूपी समुद्र में नदी में कोई चले जाए उसके को उठाएंगे कौन, हमारी प्राण गोविंद यही तो जगत की शिक्षा देते हैं। ऐसे कृष्ण की अनेक जो है मधुर मधुर लीला है, इसलिए मैंने वो श्लोक देखा, कृष्ण क्यों नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं, पर जीवों के अनुग्रह कृपा करने के लिए, इसलिए अनुग्रह भक्तानां मानुष देवांश भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे। ऐसी कथा को श्रवण करके चिंतन करके स्मरण मनन करके उसमें डूब जाए, माया तुम्हें प्रश्न नहीं है। कोई दीवारत्र प्रभु के ऐसी लीलाओं के स्मरण करते रहे चिंतन करते रहे तो माया कहां स्पर्श करे, उसमें देह स्मृति भी नहीं रहेगा। जैसे गोपियां क्या बोली, देह स्मृति नहीं जार संसार को कहतार, कितना सुंदर है, देह स्मृति भी नहीं रहे, भगवत चिंतन करते 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 आप बिल्कुल भूल जाओगे अपने देह की भूल जाओगे। इसलिए तो कह रहे हैं दिक्का काले शिष्य करी आत्म समर्पण, सही काले कृष्ण तारी करे आत्म सम, सही देह होय तार चिदानंदमय, अपाकित दे कृष्ण रे भजय, दिक्खा काले शिक्ष करे आत्म समर्पण। दिक्खा के समय है शिष्य के गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते स्वाहा, मंत्र में क्या है सब है कि नहीं है, नमो और स्वाहा, बोले
दीक्षा काले करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्म, और सही देह है तार चिदानंद मय। उस समय उनके भक्त के शरीर कैसे चिदानंदमय शरीर। इसलिए दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने पर धीरे 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 ये सब अनुभूति होगा। एक समय नहीं, एक दिन में नहीं हो जाता। और दीक्षा भी एक दिन में नहीं, एक तो अनुष्ठानिक दीक्षा होता है, अनुष्ठानिक समय, जैसे गुरु के पास आए फूल की माला लेकर के आए, फल लेकर गुरु के दे दिया, गुरुदेव मंत्र दे दिया, हो गया दीक्षा। बोल इसको कहा जाता है अनुष्ठानिक दीक्षा का। अब परमार्थिक वास्तव दीक्षा होता है धीरे धीरे गुरु की मुखारविंद हरि कथा श्रवण, गुरु वाक्य पे विश्वास हो जाता है, फिर मंत्र आदि के द्वारा जप करते करते धीरे धीरे अनुभूति होता है। एक दिन इसलिए कहा जाता है ये दीक्षा हमारे संपन्न कब होगा, पूर्णता दीक्षा कब होगा बताओ, जब हम भाव अवस्था में पहुंचेंगे। आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में, तब दीक्षा पूर्ण है। ये मत सोचिए ये मैं काली दीक्षा ले लिया वा आज दीक्षा ले लिया हो गया सब, बोले नहीं, एक क्रम होता है। और उस समय उसके शरीर कैसे है, चिन्मय शरीर प्राप्त कर, और इस प्रकार भजन करते करते समय आने पर भगवान की इच्छा से इस जड़ शरीर को छोड़ करके नित्य धाम में चले जाते। बोले जिस प्रकार सांप अपने स्किन को जैसे छोड़ करके बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत भजन करते करते साधक कब भगवत धाम में नित्य धाम में चले जाते हैं पता नहीं है। इसलिए दीक्षा करिए, शिष्य करिए, आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करिए आत्मसमर्पण, सही देह है तारे चिदानंदमय प्राकृत देहे श्री कृष्ण मंशा गुरु कृपा सिंधु अधितानं पावने भो है समय। जय जय श्री राम। अभी थोड़ा कीर्तन हो अब ठीक है। अच्छा आप ही सो आइए आइए और सब कुशल है। आपके बारे में मैं काली पूछा था, मुझे कल ही फोन किया, मुझे पता चला मैडम आज ही आऊंगा। आज सुबह आपने आप गए हुए थे, आज सुबह गई आपके स्मरण करने के साथ ही साथ मैं काल ही बता रहा था। कब तक है यहाँ पर? मैं मल्ली से जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ काली को।